पुणे से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक गांव था नूरपुर। उस गांव के स्कूल के बाहर लंबे काले घने बालों वाली प्रांजलि नाम की लड़की खड़ी थी। ओ, तो ये है वो स्कूल, यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगी मैं, वाह मजा आएगा। प्रांजलि स्कूल के अंदर आती है और प्रिंसिपल के केबिन में जाकर कहती है, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ प्रांजलि एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। वेलकम टू माई स्कूल मिस प्रांजलि, चलिए मैं आपको आपके क्लास और इस स्कूल से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जी सर। प्रांजलि को देखकर स्कूल का एक टीचर प्रभाकर कहता है, वाह क्या मैम आई है अपने स्कूल में, शी इज अमेजिंग। प्रिंसिपल प्रांजलि को लेकर उसकी क्लास में पहुंचते हैं। प्रांजलि मैडम, ये रहे आपके क्लास के स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से प्रांजलि मैडम तुमको सब पढ़ाएंगी। प्रांजलि को देखकर सभी हैरान थे। तभी रिया अपनी दोस्त निशिता से, वो देख यार अपनी नई टीचर तो कितनी खूबसूरत है, सो ब्यूटीफुल ना, हाँ इनके साथ तो बड़ा मजा आएगा। प्रांजलि मैडम, नाउ हैंडल योर क्लास। यस सर। प्रिंसिपल क्लास से चले जाते हैं। स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी नई टीचर, अब आप सब एक एक कर अपना नाम बताइए। सभी स्टूडेंट्स प्रांजलि को एक एक कर अपना अपना नाम बताते हैं। तभी प्रांजलि की नजर क्लास के एक लड़के शशांक के बालों पर जाती है। शशांक के बाल काफी लंबे थे। इस लड़के के बाल कितने लंबे हैं, मैं अभी से मजा चखाती हूँ। हे यू शशांक, कम हियर। जी मैडम। मैडम के बच्चे, क्या है ये, लड़की है क्या तू जो इतने बड़े बाल रखकर घूमता है। सॉरी मैडम। प्रांजलि गुस्से में अपने बैग से कैंची निकालती है और शशांक के बाल कट कर देती है। ये नजारा देखकर हर बच्चा डर जाता है। मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई चलेगी, उसके अलावा कोई मस्ती कोई गुंडागर्दी नहीं, समझे। अरे बाप रे, ये मैडम तो बड़ी ही खतरनाक है। इसके बाद मैडम बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद ब्लैक बोर्ड पर एक प्रश्न लिखती हैं। स्टूडेंट्स, जो लेक्चर मैंने अभी आप लोगों को दिया है ये उसी से रिलेटेड प्रश्न है, आप सभी से नोट कीजिए और लंच के बाद मुझे आप सबसे इसका आंसर चाहिए, समझे। फिर सभी बच्चे उसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख कर लंच करके प्लेग्राउंड में चले जाते हैं। यार मुझे तो हिस्ट्री का एच भी नहीं आता, अब मैं कैसे लिखूं जवाब, ऊपर से ये खतरनाक टीचर। सचमुच में ये नई मैडम तो बड़ी खतरनाक है। यार रिया निशिता, तुमने जो जवाब लिखा है वो हमें भी बता दो, अगर आज हमने मैडम को आंसर नहीं दिया तो वो हमें घर नहीं जाने देगी। सारी क्लास में निशिता और रिया ही सबसे ज्यादा होशियार थे, वो सभी आंसर उन दोनों की नोटबुक से कॉपी कर लेते हैं। कुछ देर बाद प्रांजलि मैडम क्लास में आती है। चलो शशांक, तुम बताओ बोर्ड पर लिखे हुए का जवाब क्या है। मैडम, इसका जवाब तो मैंने नोटबुक में लिखा ही है ना। हाँ तो उसमें भी तो तुमने ही लिखा होगा ना, अब बताओ क्या जवाब है इसका। पर जवाब तो मुझे आता ही नहीं। अच्छा तो फिर नोटबुक में कैसे लिखा तुमने जवाब। वो तो हम सब ने रिया की नोटबुक से कॉपी किया था। क्या, खड़े हो जाओ सबके सब, अब तुम सबकी खैर नहीं, अब तुम सबके सब बाहर प्लेग्राउंड के 10 चक्कर मार कर आओ, और अगर एक भी स्टूडेंट जरा सा भी रुका तो डंडे से मार मार कर लाल पीला कर दूंगी मैं। सारे बच्चे उस प्लेग्राउंड के चक्कर मारने लगते हैं। कुछ देर बाद वो सब क्लास में आकर बैठ जाते हैं। आ माँ, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। सारी क्लास का यही हाल था, अगर अब से होमवर्क और जवाब नहीं दिया किसी ने तो उसका कल से यही हाल होगा। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सब रोते रोते घर चले जाते हैं। अब प्रांजलि मैडम के अत्याचारों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, होमवर्क ना करके आने पर वो बच्चों को ऐसी ही सजा देती, अब बच्चे भी उससे दुखी हो चुके थे। एक रोज प्रांजलि मैडम ऑफिस रूम में अकेली बैठी थी। यहाँ कोई नहीं है, कुछ समय के लिए अपने सर के नकली बाल में निकाल लेती हूँ, इन नकली बालों से मैं दुखी हो गई हूँ, सर में बहुत पसीना आ रहा है। प्रांजलि अपने हाथों से अपने लंबे बाल जो कि पूरी तरह नकली थे उन्हें उतार फेंकती है। असल में उसके ये बाल पूरी तरह नकली थे। तभी अचानक उस ऑफिस की खिड़की जो कि जरा सी खुली हुई थी, उसके पास शशांक आता है। उसकी नजर प्रांजलि के सर पर जाती है। अरे बाप रे, ये मैडम के बाल कहाँ गए। उफ, अब कितना रिलैक्स फील हो रहा है, पता नहीं ये लोग भी नकली विग पहनकर कैसे घूम सकते हैं। इस स्कूल में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे बाल नकली हैं, वरना सब मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन शशांक ये सब बात सुन लेता है। फिर वो बाहर जाकर अपने दोस्तों को ये बात बताता है। वाह क्या न्यूज लाया है दोस्त, अब हमें उनके कहर से बचने का रास्ता मिल गया, अब हमें किसी भी तरह उनका ये राज सबके सामने लाना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम उनका ये राज आखिर सबके सामने कैसे लाएंगे। उसकी फिक्र तो मत करो शशांक, अब तो तुम बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। मेरे पास एक आइडिया है, 3
3 दिन बाद अपने स्कूल में एक प्रोग्राम है जिसमें प्रांजली मैडम स्टेज पर खड़े होकर भाषण देंगी। हमें उसी दिन कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपने हाथों से सबके सामने अपनी नकली विग उतार फेंके। बट ये कैसे पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है, अब तो तुम बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। रिया के पापा एक साइंटिस्ट थे, इसलिए उसके घर पर उसके पापा अलग अलग तरह के केमिकल्स रखते थे, जिसमें से एक केमिकल खुजली का भी था। रिया रात को चुपके से वो केमिकल चुरा लेती है। फिर प्रोग्राम वाले दिन प्रांजलि मैडम अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है। अब कुछ ही देर में स्टेज पर मेरी स्पीच है, उससे पहले मैं इस विग को निकाल लेती हूँ, वरना पसीने के कारण ये अगर फिसल कर गिर गई ना तो सबके सामने गड़बड़ हो जाएगी। प्रांजलि वो विग निकाल कर रख देती है और खुद वॉशरूम चली जाती है। वो दोनों चुपके से उस खिड़की से अंदर आते हैं और उस विग में केमिकल डालकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद प्रांजलि फ्रेश होकर वो विग पहनकर स्टेज पर आ जाती है। भाषण देने के 5 मिनट बाद ही उसके सर में खुजली होने लगती है और वो बार बार अपने सर पर खुजली करने लगती है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है, मेरे सर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? प्रांजलि दोनों हाथों से अपने सर को जोर जोर से खुजलाने लगती है। कुछ ही देर में उसके सिर से वो विग निकल कर नीचे गिर जाती है और सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया, प्रांजलि मैडम टकली है? हाँ हाँ, हमारी मैडम गंजी है। अरे देखो रे देखो, गंजी स्कूल टीचर देखो। सब जोर जोर से उसके गंजे सर को देखकर हंसने लगते हैं। ये देख प्रांजलि बहुत शर्मिंदा होती है और गुस्से में उस स्कूल से चली जाती है। उसके बाद वो कभी उस स्कूल में वापस नहीं आती। सब बच्चों को उसके कहर से छुटकारा मिल गया। अब उस स्कूल में अनुराधा नाम की एक नई मैडम आई, जो सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहती और सबको बहुत प्यार से पढ़ाती।